नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सिंगरौली जिले के सराय थाना अंतर्गत गोरा गांव में एक बार फिर जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद और मारपीट हुई। विदित हो कि जमीनी विवाद को लेकर दो ब्राह्मण परिवारों में धारदार हथियार और लाठी डंडों से एक दूसरे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका उपचार सराय के स्वास्थ्य केंद्र में कराया जा रहा था, जहाँ से घायलों को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया गया है। जिले में इस तरह के जमीनी विवाद आए दिन होते ही रहते हैं। लोगों का मानना है कि जमीनी विवाद का एक कारण राजस्व विभाग भी है, जहां तहसील न्यायालयों में महीनों महीनों साल भर से लंबित सीमांकन, बेदखली, बंटवारा आदि प्रकरणों का समय पर निपटारा न किए जाने से विवाद का एक कारण ये भी है, जिससे जिले में कहीं ना कहीं आए दिन खूनी संघर्ष होते ही रहते हैं। लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में बहुत हद तक राजस्व अमला भी जिम्मेदार है। हालांकि इस पूरे मामले में सराय थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें समझाइश देकर घर भेज दिया था, परंतु सुबह हुई तभी आरोपियों अरविंद तिवारी, उमेश तिवारी, अरुण तिवारी, सुनील अपने साथियों के साथ मिलकर छोटेलाल तिवारी के परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया। इतना ही नहीं, उपरोक्त आरोप लगाते हुए पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया है कि मारपीट करने के बाद घर का दरवाजा बंद करके आग भी लगा दी, जिसकी चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों द्वारा मदद की गई, जिससे आग पर काबू पा लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल SP प्रदीप शिंदे को जानकारी मिलते ही सराय थाना प्रभारी शंकरधर त्रिवेदी को फोन पर बात कर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए। इस पूरे मामले में घायल की नातिन का कहना है कि करीब 40 की संख्या में मारपीट करने वाले लोग आए थे, उनमें 20 से 25 लोग उत्तर प्रदेश से मंगाए थे, जहाँ अभी भी उन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है कि यहाँ से घर खाली करके भाग जाओ, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। जमीनी विवाद है इसी को लेके मेरे बड़े बाबा के 5 लड़के थे, उनके 2-3 नाते और बाहर से आदमी, यूपी से आदमी बुलाए गए थे, 3-4 उनके साले थे, राकेश तिवारी का गुंडा बुलाए गए थे, और बाकी जितने जमीनी विवाद वाले हैं सब लोग थे, कम से कम 40 लोग घर के आसपास के सब पूरे लोग मिलके और घर के सब लोग मिलके मारे हैं, पूरे परिवार को तहस नहस कर डाला, हमारे पास कुछ नहीं बचा, जमीन जगह हर चीज छीन लिया, केवल घर बचा है। घर से निकलने को कहते हैं, कहाँ जाएंगे घर से निकल के, हम कई बार दिया लेकिन कोई इंसाफ नाम का चीज़ ही नहीं है। पुलिस वालों को पैसा चाहिए, कहाँ पाएंगे गरीब आदमी। मेरे पिताजी एक संत भीख मांग के मंदिर की पूजा करें या बच्चों को पालें या पुलिस को दें, लेकिन हमारा इंसाफ कौन करेगा, कौन सुनने वाला है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, किसके पास जाए मदद के लिए। ये जमीन जगह को लेके सब कुछ छीन लिया, क्या जानते हैं हमारा नहीं बचेंगे, वो मार डालेंगे, हमारा जान बचाया जाए, हमें बताया जाए कि हम कहाँ जाए, हम सब छोड़ने को तैयार हैं, जमीन जगह घर, लेकिन मेरे परिवार के साथ क्या चाहना हो, मैं अपने परिवार को सलामत देखना चाहती हूँ और खुश, केवल मेरा परिवार सुखी रहे, ये भीख मांग के जंगल में जी लेंगे सर, लेकिन परिवार मेरा सुरक्षित रहे, अगर परिवार का कोई भी खो गया ना तो हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा, इन अत्याचारों से हमें बचाइए, प्लीज बचाइए, वरना हम मार जाएंगे। रिपोर्ट आई है और बाकी उनके वाइटल्स जो हैं वो स्टेबल हैं, हालांकि क्योंकि वो पूरे पहले भी हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारे यहाँ से, तो उससे तो आराम है, और चोट तो गहरी है हालांकि, और इसमें से एक ये छोटे लाल तिवारी जी हैं जो शायद आप जिनकी बात कर रहे हैं जी ना, और एक सुनील तिवारी करके हैं जी, इनके दोनों हाथ के अंगूठे में ज़्यादा दर्द है, दर्द की तकलीफ ज़्यादा है जी, ये हो सकता है ये लेसरेटेड या शार्प कट इंजरी है जी, और फ्रैक्चर भी है, ओपन टाइप का फ्रैक्चर है जी, तो इनको इमीडिएट रेफर कर रहे हैं हम बहन अस्पताल के लिए जी, और इसमें से 2-3-4 केस रिफर होंगे, हमारे पास 10 से 11 MLC आई हुई हैं, 11 लोग हैं, स्थिति हाँ स्थिति ठीक है, एक बंदे की स्थिति ज़्यादा थोड़ा
ख़राब है, क्योंकि वो जो अंगूठा है वो ज़्यादा दिक्कत कर सकता है सुनील तिवारी करके हैं उनका, बाकी ठीक है स्थिति ठीक है।